اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد देखो अलहमदिल्ला इसका है हसूल निस्बत का तरीका पहले जो था वो हाल की दो किस्में और मोहब्बत की दो किस्में जी उस पर सारी तफसील से बात हो गई उससे पहले हिम्मत और इखलास था इखलास सारे आमाल की रूह है इखलास को लाने के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी आज है हसूल नस्बत का तरीका हजरत वाला ने इर्शाद फरमाया हजरत थानी रहमत का मलफूज है लंबा है उसको ध्यान से सुने फिर उसकी तफसीर आएगी हसूल नस्बत की तरतीब और हकीकत यह है कि अव्वल ब तकल्लुफ आमाल जाहिरा और बातिना की असलाह करें सूल नस्बत अब वो भी तर्जुम आएगा नस्बत कहते हैं अल्लाह के तल्लु को हसूल नस्बत की तरतीब और हकीकत यह है कि अव्वल बतकल्लु आमाल जाहिरा व बातिना की असलाह आमाल दो किस्म के हैं। आमाल जाहिरा भी और आमाल बातिना बिलखसूस अमाल बातिना की असलाह ज्यादा अहम और दुशवार है जब आमाल साल और बातना पर एक मोतद भी मुद्दत तक यानी एक मुद्दत तक मुआजत रहती है यानी हमेशगी रहती है तो रफ्ता रफ्ता इन आमाल में सहूलत पैदा हो जाती है और एक कैफियत राशिखा पैदा हो जाती है यानी अः उस पर जमने की कैफियत पैदा हो जाती है इस सहूलत के लिए तमाम मुराकबा रियाजात मुजाहदात अजकार और अशगाल मुकर किए गए इस सहूलत के लिए ये जो मुराकबात है कि ये कहीं कहीं मुजाह कराया जाता है कहीं मुराकबा कराया जाता कहीं, करा कहीं अजकार दिया जाता कहीं काम दिए जाते ये सारी ये सारे मुकरर किए गए है किस लिए कि आमाल ज़ाहरा और बातना पर जम जाए बाकी असल चीज इसला आमेला आमाल आमाल ज़ाहरा और बातना ही है असल चीज आमाल जाहिरा और बातिना ही है जिस पर नस्बत हकीकी मुरतब होती है जी। आमाल जाहिरा, नमाज रोता रोजा जकात हज है या आमाल जाहिरा है आमाल बातिना के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत हो उम्मत की बेदीनी का गम हो आ, माफ करने वाला हो आ, ये सारे आमाल बातना है ये कैफियत पैदा करना गुनाहों से बचना है तो ये दो चीजें जिस पर नस्बत हकीकी मुरतब होती जब बंदा आमाल साल जाहिरा बातना पर मुदावमत हमेशगी करता है तो हक अल्लाह को उसके साथ रजाय दायमी का ताल्लुक पैदा हो जाता फिर अल्लाह उससे राजी हो जाता और यही हकीकत है नस्बत मह की और सिर्फ जिक्र दायब यानी हमेशा जिक्र या दवा में हुजूर यानी या मलक याददाश्त जिसको कहते हैं ये सब तसवफ के अल्फाज है इसकी अलग तफसर है वो नस्बत की हकीकत नहीं है अलबत् नस्बत में मुन बहुत है ये मदद करने वाले क्योंकि जिसको हर वक्त हक ताला का ध्यान रहता है जिसको हर वक्त अल्लाह तला का ध्यान रहता है उससे अल्लाह तला की नाफरमानी होना बाईद है, नहीं हो सकती ये तो नस्बत की हकीकत है हक ताला को बंदे के साथ एक खास तल्लक रजा का हो जाता है जिसका खासा एक खास इंजाब है यानी इंज़ाब कहते हैं जज्ब करने की ताकत आ, तो अल्लाह तला के फिर बरकतों तजलियात को जज्ब करने की एक ताकत है खास इंज़ाम है जिसके लवाजिम में सहूलत इतात फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके लिए इतात मानना सहूलत और अल्लाह की अल्लाह का ध्यान दायम है और ये महज महूब है ये मेहनत से ली नहीं जाती अल्लाह ताला देते हैं महूब है यानी अल्लाह की तरफ से हदिया क्योंकि किसी अमल साले में ये काबिलियत नहीं है कि रजाए इलाही के हसूल के लिए काफी हो सके गो आदतुल्ला यह है कि मदद अपने फजल से अपनी रजा को आमाल साल पर मुरतब फरमा देते देखो किसी अमल साले में यह काबिलियत नहीं कि अल्लाह की रजा हासिल कर सके उसूल के लिए काफी नहीं है लेकिन अल्लाह की आदत यह है कि इंसान आमाल साल कर देते हैं तो अपनी रजा भी दे देते है ये अल्लाह की एक सुन्नत है। जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद है कि कोई शख्स अपने आमाल की वजह से जन्नत में न जाएगा यह है ना में। कोई शख्स अपने आमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि महज हक ताला के फ़ज़ल से जाएगा मालूम उस अमाल में कोई अल्लाह ताला उस आमाल की निस्बत से अपना ताल्लुक दे देते हैं मकफिरत कर देते वो और बात है लेकिन आमाल में तो कोई ऐसा नहीं है इसलिए फरमाया कोई शख्स आमाल की वजह से जन्नत में न जाएगा बल्कि महद हकता के फजल से जाएगा और ये नस्बत माल आदतन फिर कभी जायल नहीं होती जैसे बालिग होने के बाद सिफत बलूक कभी जायल नहीं होती इसी मसले को सूफिया ने फनाए ताबीर करके फरमाया है फना एक होती है बका एक होती है फना तो ताबिर करके फरमा अलफानी ला यूरद यानी फानी और वासिल कभी मरदूद नहीं होता

दाइमी रजा का तहकुक कहाँ रहा एक सवाल पैदा होता है कि जिसको नस्बत मिल गई क्या उसके बाद उसे कोई गुना नहीं होगा नहीं होता है तो फिर जब गुना होता है तो फिर अल्लाह की नस्बत का कहा तो कैसे मिली एक सवाल होता है। तो समझ लो कि गहरी दोस्ती के बाद किसी से कोई गहरी दोस्ती है उसके बाद ये जरूरी नहीं कि कभी बाहम शक्कर रंजीबी न हो यानी बाहम कोई इख्तिलाफ ना हो कोई बहस ना हो कोई गुस्सा ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता होता गाहे गाहे शक्कर रंजी भी हो जाती है यानी आपस में नाराजगी हो जाती है लेकिन फिर उसको तदारुक के बाद आपस में माफी साफी करने के बाद फिर वैसा ही ताल्लुक हो जाता है फिर वैसा ही ताल्लुक हो जाता है बल्कि दरअसल इस खफगी के जमाने में इस नाराजगी के जमाने में भी दोस्ती का असल ताल्लुक बदस्तुर कायम रहता है दो तो गहरी दोस्ती हो तो दोस्ती में कुछ भी नाराजगी हो गई फिर भी दोस्ती का ताल्लुक तो बाकी है वो जाय नहीं होता शक्कर रंजी महज आरजी होती है और वो थोड़ी सी जो नाराजगी हुई ना वो आरजी होती है दोस्ती का ताल्लुक हमेशा का है एक तो ये मिसाल है दूसरी मिसाल बताया तकमील सेहत के बाद एक आदमी सेहतमंद हो गया क्या जरूरी नहीं कि उस हालत में कभी उसको जुकाम ना हो कभी उसको बीमारी ना ये जरूरी नहीं बल्कि बीमारी आ जाती है या कभी अगर बद परहेजी कर ले मसलन कोई खट्टा खा ले तो उससे नुकसान ना हो बद परहेजी से नुकसान जरूर होगा लेकिन महज आरज़ी, वो वक्ती नुकसान है फिर थोड़ा सा इलाज करेगा फिर वही सेहत वापस मिल जाएगी वही हालत गालिबा सेहत के औद कराएगी, यानी वापस सेहत मिल सकती है तो ऐसा कोई है ही नहीं कि उसको अच्छी सेहत गई तब कभी बीमार है तो ऐसे ही रूहानी सेहत गई अल्लाह का ताल्लुक मिल गया तो अब मतलब यह नहीं कि बीमारी नहीं आएगी रूहानी बीमारी भी आएगी यानी कभी कोई गुना हो जाएगा लेकिन अब फिर से इलाज करेगा फिर सेहत मिल जाएगी अब वो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो पहले की थी अब थोड़ी सी भी मेहनत पर वापस आ जाती है गहरी दोस्ती करने में तो ज्यादा वक्त लगता है गहरी दोस्ती होने के बाद अब जो आपस में नाराजगी होती वो थोड़ी सी होती अच्छी सेहत मिलने के बाद थोड़ी बहुत बीमारी आती है सर्दी जुकाम हो जाता है लेकिन वो थोड़ी सी दवा खाने के बाद चला जाता है तो फरमाया या मसलन तीसरी मिसाल फरमा फरमाया कोई अगर दरसियात के फरागत के बाद मदरसे से फारिग हो गया ये जरूरी नहीं कि कभी उस किसी मकाम पर वो अटकेगा ही नहीं कि अब वो आलिम बन गया है तो अब उसको हर बात का इल्म है अब कहीं अटकेगा नहीं हर चीज का जवाब देगा नहीं कहीं कहीं आलिम बनने के बाद भी फरागत के बाद भी कहीं किसी ने कोई सवाल कर लिया तो अटक जाता है लेकिन उस पर जरा सी तवज्जो देगा फिर वो निकल जाता है जी तो ये हजरत थानवी रहमत का मलफूज था अब उसकी तफसीर जरा समझते जाए अब पूरी बात समझ में आ जाएगी ये हजरत वाला का तवील मलफूज है और सारे तसव्वुफ और तरीकत का जो मकसूद समझा जाता है देखो इस वक्त में तसव्वुफ और तरीकत को बहुत एक अजीब शक्ल का बना दिया है जिसकी वजह से लोग उससे नफरत करते हैं हकीकत में हकीकत में जो तसव्वुफ है वो पेश नहीं किया जाता जो रिवाज में आ चुका है बस उसी को लोग समझ भी रहे हैं उसी को लोग बता भी रहे हैं तो उसी से लोग घबरा भी रहे बोले ये तो बहुत हार्ड चीज है लेकिन हजरत थानी ने देखो फरमाया सारे तसवफ और तरीक़त का जो मकसूद समझा जाता है यानी अल्लाह जल्शान से नस्बत का हुसू अल्लाह का ताल्लुक मिल जाए अब बताओ खाली तरीकत से नहीं अगर दावत तो तबलीग जो है उससे भी मकसूद क्या है अल्लाह का ताल्लुक मिल जाए भाई इल्म से जो हम मदरसों में इल्म सीखते हैं या सिखा रहे हैं उससे मकसूद क्या है अल्लाह का ताल्लुक मिल जाए तो असल में नस्बत का हसूल है इस मलफूज में हजरत वाला ने इस नस्बत का मतलब और उसकी हकीकत और उसको हासिल करने का तरीका बयान फरमाया है इस मलफूज के अंदर क्या क्या है असल में हजरत वाला ने नस्बत का मतलब और उस नस्बत की हकीकत और उसको हासिल करने का तरीका बयान फरमाया अच्छा आपने सुना होगा कि फुला बड़े साहिब नस्बत बुजुर्ग है ये सुनते रहते वो तो फुला साहिब नस्बत बुजुर्ग है साहिब नस्बत किताबों में आता है कि साहिब नस्बत से ये हो गया वो हो गया तो बुजुर्ग है या बड़े साहिब निसबत वली उल्ला है फुला को नस्बत हासिल हो गई या जैसे आपने सूफिया के तस्करों में ये सुना होगा कि एक बुजुर्ग की जब दूसरे बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग की नस्बत मालूम करने की कोशिश की उनकी नस्बत किस मैार की है किस दर्जे की है वगैरह वगैरह ये इसमें जो किराम होंगे या जो काम कर रहे होंगे उन लोगों ने बातें सुनी होंगी कुछ लोगों के लिए बातें नहीं है या किताबों में आती है फजायल अमल की तालीम के अंदर भी फजायल अमल अगर किसी ने पढ़ी तो उसमें नस्बत का लफ्ज बहुत आता रहता है अब नस्बत हासिल होने का मतलब क्या है हजरत वाला इस नस्बत की हकीकत बयान फरमा रहा कि नस्बत हासिल होने का माना दर हकीकत यह है कि अल्लाह जल्ल शानु उस बंदे से राजी है बस नस्बत हासिल हो गया उसका माना क्या है अल्लाह जल्लाशानु उस बंदे से राजी है और उसकी इबादत और ताकत को कबूल फरमा रहे हैं और बहसियत मजमू उस बंदे के अमाल को पसंद फरमाते हैं जब ये कैफियत हासिल हो जाए जब ये कैफियत हासिल हो जाए तो कहा जाएगा उसको नस्बत मा अल्ला हासिल हो गई बस ये है नस्बत हां यह नहीं है कि कोई अजीब अजीब काम दिखा दिया तो नस्बत वाला हो गया नहीं बस तो यह है नस्बत कि दर हकीकत में अल्लाह उससे राजी हो जाते फिर अल्लाह उसकी इबादत को कबुल फरमा फिर फिर वो बंदा जो दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाते अच्छा नस्बत हासिल होने की दो अलामतें हैं याद रखो कि जिसको नस्बत मिल गई है उसकी दो अलामतें हैं जी जिसको नस्बत मिल गई उसकी दो अलामतें हैं सुनते जाए इंशाल्लाह आगे समझ में आता जाएगा लेकिन ये कैसे पता चले कि फुला बंदे को नस्बत हासिल हो गई और ये कैसे मालूम हो कि अल्लाह तला उस बंदे से राजी है जी वही बातें वापस आ रही है देख लो नस्बत के हकीक के बयान नस्बत की हकीकत बयान फरमा के नस्बत हासिल होने के माना दर हकीकत यह है कि अल्लाह जल्दानु उस बंदे से राजी है उसकी इबादत कबूल फरमा रहे हैं बस इतना याद रखो जब यह कैफियत हासिल हो जाए तो कहा जाएगा उसको नस्बत मह हासिल होगी अब यह बता रहे हैं कि कैसे पता चले कि इसको नस्बत हासिल हो गई और कैसे मालूम हो कि अल्लाह उस बंदे से राजी है जी तो निस्बत हासिल होने और अल्लाह ताला के बंदे से राजी होने की दो अलामतें हैं एक कसरत जिक्र दूसरी दवा में यानी अल्लाह के हुक्म को मानना था मैं उपड़ी से पढ़ के शुक्र अरे बयान उपड़ो नहीं अच्छी छिड़ी पड़े सी तो एक कसरत जिक्र दूसरी दवा में ताआत दवा में ताआत का मतलब यह है यानी जिक्र की कसरत वही मुराकबा आ गए तो मुराकबे की कसरत और दूसरा यह है कि अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना ताआत में सब कुछ आ गया नबी के तरीकों पर चलना और शेख की बातों पर चलना यह सब कुछ ताआत में आ गया दवा में ताआत दवा में तात का मतलब यह है कि शरीयत के आयद करदा जो फराइज वाजिबात है उनको पाबंदी से वक्त पर अंजाम दे रहा है यह और जिन चीजों से शरीयत ने रोक दिया है जिन चीजों से शरीयत ने रोक दिया है उनसे हर हालत में रुका हुआ है जी इनसे फरमाया जिन चीजों से देखो उसमें वही चीज आ गई कुछ करने के अहकाम है कुछ न करने के अहकाम तो करने के अहकाम जो फरयज और वाजिबत उसको कर रहा हो और जिनसे शरीयत ने रोक दिया है उनसे हर हालत में रुका हुआ है यानी गुनाहों से बच रहा हो जाहिरी और बातिनी हर तरह के गुनाहों से इजतनाब कर रहा है नस्बत की एक अलामत यह है समझे नस्बत की एक अलामत ये है अभी हर एक देखेगा मेरे को निस्बत मिली कि नहीं मिली हाँ आप लोग भी नस्बत देखते जाना कभी कभी अल्लाह तला दे देते हैं उस पर जाहिर नहीं फरमाते ना हो कि फिर शैतान की नस्बत मिल जाए हाँ जरा संभालते रहना इसलिए किसी को मिल जाए तो जरा बता भी देना कि हमको मिल गई है तो फिर बताऊंगा क्या हकीकत में मिले धोखा हो रहा है न तो बहुत सारे तो लोग कहेंगे हमको तो मिल गई ये देखो जो अलामत बताई जा रही है वो अलामत तो हमारे अंदर है जी तो फरमाया जिन चीजों से शरीयत ने रोक दिया उनसे हर हालत में रुका हुआ हो जाहिर ने हर तरह के गुनाहों से इज्तनाब कर रहा है नस्बत की एक अलामत ही है। और दूसरी चीज कसरत जिक्र है दूसरी चीज कसरत जिक्र है की दो अलामतें एक तो जाहिर बातिनी के गुनाहों से बच रहा हो और करने वाले आमाल कर रहा हो और दूसरी कसरत है कसरत मतलब यह है कि उसकी जबान, उसका दिल हर वक्त अक्सर अवकात अल्लाह जल्ला जलालू जल्ल जलाल की तरफ मुतवज्जे रहते हो या तो उस जबान से जिक्र में मशगूल हो या उसका दिल अल्लाह ताला की तरफ इस तरह लगा हुआ है कि अगर ख्याल है तो अल्लाह ताला का अगर फिक्र है तो अल्लाह ताला को राजी करने की जी उसकी जबान पर कभी जिक्र है कभी कलम शुक्र है कभी कलम सब्र है कभी इसत है कभी इसत आजा है हर वक्त किसी न किसी बहाने अल्लाह ताला से रिश्ता जुड़ा हुआ है सुबह अल्लाह कैसी बात बताएंगे देखा कसरत जिक्र का मतलब अब सुवान अल्ला, सुवान अल्ला, सुवान अल्ला ही कहते रहा या सुबह बस पूरा सुबह से शाम तक मुराकबे में हो नहीं मुराकबा अपनी जगह पर जो करना है वो करे लेकिन कसरत मतलब से शुरू में तो वही करना होगा मुराकबे के जरिए से अल्लाह ताला एक ध्यान नसीब फरमाते गफलत को दूर फरमाते हैं फिर उसके बाद का जिक्र बदल जाएगा इब्तदात जो जिक्र है वो जिक्र मुराकबा होगा या जिक्र कलबी होगा फिर बाद का जो जिक्र है वो जिक्र फिक्री होगा हाँ वो क्या है कि फिक्र है अल्लाह ताला को राजी करने की तो कभी शुक्र के जरिए से कभी सबर के जरिए से कभी इस्तफार के जरिए से और कभी अवजबिल्लाउजिल्ला हाँ अल्लाह से पना मांग रहा है इस्तेजा है तो अल्लाह तला का रिश्ता जुड़ा हुआ है जब देखो अल्लाह तला से दुआएं मांग रहा है चलते फिरते दिल ही दिल में अल्लाह तला की तरफ मुतवजह है और उसकी कैफियत यह है कि दिल बार दस्त बकार दिल अल्लाह के साथ लगा हुआ है और दस्त यानी हाथ और पैर काम में लगे हुए तो काम कर रहे टू इन वन हो गया तो काम भी कर रहा है और जिक्र भी कर रहा है तो ये जिक्र कब होगा जब जिक्र कल भी होगा तो ही दो काम साथ में हो सकते हैं कि दिल से जिक्र है कभी शुक्र कभी सब्र तो काम भी कर रहे हैं तो उसको दिल बयार दस्त बकार की कैफियत हासिल हो जाती है तो समझ में जिसको नस्बत मिल गई उसकी अलामतें क्या है दो चीजें एक तो आमाल जाहिरा और बातना पर अमल करना शुरू कर दिया फराइज और वाजिबात और उसके गुनाहों से बचना शुरू कर दिया दूसरा कसरत जिक्र ये दो चीजें हाथ काम में लगे हुए हो देखने वाले समझ रहा है कि शख्स दुनिया के काम में लगा हुआ है लेकिन उसका दिल अल्लाह जल्शनु के साथ लगा हुआ है ये बड़े आला दर्जे की कैफियत है ये बड़े आला दर्जे की कैफियत है अल्लाह ताला अपने फजल से हम सबको ये कैफियत अता फरमा दे आमीन 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 हर वक्त के ध्यान की इसी कैफियत को हर वक्त के ध्यान की देखो मुराकबा के जरिए से ये कैफियत पैदा बहुत जल्दी हो जाएगी लेकिन करने वाला कोई हो जो जम कर करे तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि क्या कैफियत हमें मिल गई अजीब कैफियत होगी लेकिन करके तो देखे हर वक्त के ध्यान की कि ध्यान की इसी कैफियत को सूफिया किराम की इस्तेला में मलक याददाश्त भी कहा जाता है याददाश्त यानी अल्लाह को याद रखने का मलका पैदा यानी गफलत दूर हो गई हम सादा जबान में यूं कहे जो दावत की जबान में कहा ध्यान पैदा हो गया बस उसी को तस्वुफ की जबान में मलक याददाश्त कहते हैं अब बात का समझना आसान हो गया उसी को हम ध्यान कहते हैं कि भाई ध्यान आ गया तो ये ये ध्यान की कैफियत इसीलिए हमारे इल्म जिक्र का जो नंबर है फरमाया जिक्र से क्या मकसूद है अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए लेकिन जिक्र करते करते बरसों गुजर गए ध्यान अभी तक नहीं मिला क्यों नहीं मिला कि जिक्र को अभी तक उस तवज्जो से नहीं किया है और जिक्र वालों से पूछ पूछ कर नहीं किया है किसी की रहबरी में करे वो तो आदत डालने के लिए थी तीन तस्बीहात तो आदत डालने के लिए थी ये तो पेनाडल की तरह है बीमारी दूर करने के लिए नहीं थी बीमारी दूर करने का एहसास फिर पैदा होगा तो फिर अल्लाह वालों के पास जाकर आगे की बीमारी दूर कराई जा रही तीन तस्बीहात ही को तो हमने समझ लिया हमें तो पहुंच गया अरे तीन तस्बीहात ही आम दवा है जैसे पेनाडोल हर दुकान में मिलती है बाकी हर दवा हर दुकान में नहीं मिलती वो मेडिकल स्टोर में जाना पड़ता और वहां भी डॉक्टर की चिट्ठी लेनी पड़ती है तो इसी तरीके से तीन तस्बीहात को करने के लिए ये दावत के अंदर हर एक को दिया जाता जा रहा है इसके जरिए से छोटी मोटी जो बीमारी थी वो दूर होती है उसके बाद बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए अल्लाह वालों से ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा उसके बाद वो बीमारियां दूर होगी फिर वो निस्बत मिलेगी जी और सारे लोग तो हम तो तीन तस्वीर की पाबंदी कर ले काफी है भाई उसकी तो आदत डालने के लिए क्योंकि अमूमी काम है अब जिसको अल्लाह ताला काम लेना चाहेंगे उसको आगे के लिए रास्ता है तो ध्यान किसी को कैफियत को सूफिया किराम की असलाह में मलक याददाश्त भी कहा जाता है इसलिए कि हर वक्त अल्लाह तला की याद दिल में बसी हुई है उसी का ध्यान दिल में जमा हुआ है जी अब ये दिल है ना वो कहीं भी हो बाजार में हो सफर में हो घर में हो हंसी में हो रोने में हो, हर वक्त अल्लाह का ध्यान रहता है उसको साहिब भी नस्बत की अलामत होती है दिखाई नहीं देता लगता है कि यार देखो तो कैसे गफलत में काम कर रहा है वो जाहिर में काम कर रहा है वो दिखा नहीं रहा होता है लेकिन अंदर से वो हर वक्त अल्लाह को याद कर रहा होता है और जाहिर में तो हंसी मजाक भी करा रहे होते जाहिर में तो कहीं दुकान पे काम भी कर रहे होते हैं जाहिर में तो कोई मजदूरी भी कर रहे होते हैं लेकिन हकीकत में अल्लाह का ध्यान उसके दिल में जमा हुआ होता है जो बाहर से किसी को पता नहीं चलता वो अल्लाह ही जानता है वो और अल्लाह के साथ उसका ध्यान लगा हुआ होता है तो ये बता रहे थे कि साहिब नस्बत की अलामतें अब आगे सुनो हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहमतल फरमाया करते थे उनका एक जुमला पहले गया था क्या था किसी को याद है भाई नहीं बहुत आसान जुमला बताया था उन्होंने चलो खैर क्योंकि इनके बहुत छोटे छोटे जुमले होते लेकिन बहुत ही मजेदार और इतना खोल देते हैं उसी में पूरा दिन खुल जाता है फरमाते थे फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला ने ये दिल अपने लिए बनाया ये दिल किसने बनाया अल्लाह ने बनाया और अपने लिए बनाया ये दिल तो अल्लाह का मकान है और हमने किसी और को दे दिया हाँ। ये तो कचरे का डब्बा नहीं नहीं ऐसा नहीं खैर खैर की मोहब्बत तो कचरे का डब्बा ही हो गया तो यह दिल अल्लाह ने अपने लिए बनाया और तमाम आजा को दुनिया के कामों में लगा दो तुम तमाम आजा को तुम दुनिया के कामों में लगा दो लेकिन ये दिल तो सिर्फ एक ही जात की तजली गाह है क्या हाथ पैर को कहीं भी काम में लगा दो दस्त बकार हाथ पैर काम में हो दिल बार दिल तो अल्लाह के लिए है ये दिल किसी और के लिए है ही नहीं काम करो दुनिया में रहना है काम करो सब कुछ करो लेकिन दिल अल्लाह के लिए हो फरमाया एक ही तजल्ली एक ही जात की तजल्ली गह है तजल्ली गह किस को कहते है? यानी रहमत और नूर डालने की जगह वो दिल है अल्लाह ताला दिल नूर कहा डालेंगे दिल ही में तो डालेंगे इसलिए उसको तस्व के जमाने तजल्ली कहते है। तजल्ली गांसे है। बैतुल्ला पर रोजाना तजल्ली आ रही है और वहां से अल्लाह तला सारी दुनिया की मस्जिदों में जा रही है और मस्जिदों से जो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले हैं उनके दिलों में जा रही और उनके दिलों से उनके घरों में जा रही तो गोया सारी दुनिया के ईमान वाले का ताल्लुक बैतुल्ला से है यानी मस्जिदों से होगा मस्जिदों से होगा तो बैतुल्लाह से होगा अगर मस्जिद से ताल्लुक हर ईमान वाले का कटा हुआ है जिस ईमान वाले का तो गोया उसका ताल्लुक बैतुल्लाह से भी कटा हुआ है अब वो जो रहमत बैतुल्लाह पर उतर रही है वो उसको नहीं मिल रही है इसीलिए तो हदीस में आता है अपने आप को मस्जिद से जोड़ो मस्जिद से जोड़ो मस्जिद से जोड़ो और दावत और तबली की एक ही आवाज उम्मत को मस्जिद में लाओ बस तो वो क्या है तो इंसान का दिल का है उसी जात को उसके अंदर जलवा अफरोज होना चाहिए वही अल्लाह इस दिल में आ सकता है किसी और को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए इसलिए हजूर अब फरमाया यानी अगर दुनिया में किसी को सही माने में वली दोस्त बनाना होता तो मैं अब फरमाया, फरमाया, दुनिया में किसी को मैं दोस्त बनाता तो अउबकर को बनाता लेकिन चूंकि दुनिया में किसी को वली दोस्त बनाना ही नहीं ऐसा दोस्त जो खलील हो यानी जो दूसरों से गाफिल कर दे और जिसका ख्याल दिल में जो जिसका ख्याल दिल में समाया समाया हुआ हो जिसकी हर वक्त धुन लगी हुई हो हु, ऐसा दोस्त मैं दुनिया में किसी को बनाना ही नहीं चाहता ऐसा दोस्त तो वो एक ही जात है जो दिल में बैठी हुई है इस दोस्त को अपना बना लो अल्लाह को अपना बना लो अल्लाह गैर से रिश्ता तोड़ो अल्लाह से रिश्ता जोड़ो तो ये दिल किसके लिए बनाया है अल्लाह ने अपने लिए बनाया है आज वही अल्लाह अपने दिल को मांग रहा है मेरे बंदे तू मेरा मकान खाली कर दे तो हम खाली नहीं कर रहे कितने बड़े हम बदमाश है ये तो बेचारे का किसी का मकान था उसने हमें दिया था अब हम खाली नहीं कर रहे अरे भाई मुझे रहना है तो मुझे खाली करके दे बोले नहीं तो अल्लाह ने दिल बनाया था अब उसको इस्तेमाल के लिए दिया था तो इस्तेमाल क्या दिया अल्लाह ही को निकाल दिया तो खैर दो बारा इस दिल को खाली कर दे तो अब ये दिल में अल्लाह को बिठाना है और दिल में से गैर कैसे निकलेगा ये पिछले जितने असबाक थे ना वो सारे के सारे मुजाहदे के वो सब का सब गैर को निकालने के थे मुजाहदे से क्या होता है जो दिल में गैर बैठ गया अल्लाह के अलावा जो बैठा वो सब निकल जाएगा मुजाहदे से तो अल्लाह खुद ब खुद आ जाएगा इस वक्त मुजाह हमसे छूट गया नफ्स परस्ती नफ्स ने जो कहा वो किया तो मुजाह इसीलिए दावत तबलीग मुजाह कराया जाता है जिसकी वजह से इंसान के दिल के अंदर थोड़ी बहुत अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है कैसे कैसे लोग निकलते जब वापस आते हैं तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं लेकिन उसके बाद वो छोड़ देते क्योंकि मुजाहदे की इब्तदा में अलग तरह है फिर बाद में अलग है नमाजी के लिए मुजाहदा अलग है बेनमाजी के लिए मुजाहदा अलग है और जो नमाजी बन गया आलिम बन गया तो उसके लिए मुजाहदा अलग है और जो उससे भी आगे निकला उसका मुजाहदा अलग है हर एक का अलग 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 दर्जात है तो उतना आगे निकलता जाएगा उतना अल्लाह का ताल्लुक मिलता जाएगा तो अल्लाह के रसुल फरमाते है कि मैंने अगर दोस्त बनाना होता तो औबकर बनाता लेकिन दिल में किसी को नहीं दिल में तो अल्लाह की जात बैठी हुई मालूम हुआ कि दिल उन्हीं के लिए है किसके लिए अल्लाह के लिए उन्हीं की तजली गा और उन्हीं की फरो गाह है इसमें वो किसी और को बर्दाश्त नहीं करते कि उसके अंदर कोई समा जाए ठीक है कि जब तुम दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हो तो लोगों से ताल्लुकात रखो दुनियावी जरूरियात पूरी करो अपनी ख्वाहिशत को जायज हदूद के अंदर रहकर पूरा करो लेकिन इस दिल के अंदर सिवाय अल्लाह जल्ला शानु के कोई और न समाये अल्लाह ताला अपने फजल से दौलत अता फरमाए आमीन। तो देखो अब समझ में आ गया यानी ताल्लुकात तो हो सबसे वो पहले इसकी सारी तफसर चली गई वो मोहब्बत जो थी ना कि मोहब्बत तबीयर मोहब्बत अकली तो मोहब्बत तभी जो है औलाद से मोहब्बत है तो भाई अल्लाह की मोहब्बत कहां है तो फिर अल्लाह तो नहीं आ सकता नहीं नहीं वो तभी है लेकिन अकली तो है तो ये ही तो यही कह रहे कि ताल्लुक तो हो लेकिन उनका ताल्लुक भी अल्लाह के लिए हो के भी अल्लाह का हुक्म दिया तो वो अल्लाह ही तो बैठा हुआ है क्योंकि अब इंसान किसी को दोष बना रहा है अल्लाह के लिए किसी को दोस्ती तोड़ रहा है अल्लाह के लिए अब सब कुछ अल्लाह के लिए हो रहा है तो होया ताल्लुक होने के बावजूद भी ये बेताल्लुक है ये कैफियत है ताल्लुक होने के बावजूद बेताल्लुक तो अब समझ में आ गई इस बात का खुलासा फरमा एक तो निस्बत किसको कहते हैं फिर नस्बत जिसको मिल गई उसकी अलामतें बता रहे यानी यू समझो मैंने बताया था ना ईमान की ईमान को उसकी अलामतों से पहचानो ये जो मैं बता रहा था ना नस्बत का माना है ईमान मिल गया तो ईमान की अलामत क्या बताया कि कसरत से जिक्र करने वाला जिक्र का मतलब शुक्र है सबर है है माफी है सब कुछ अल्लाह से दुआ है सब मांगने वाला गुनाहों से बचने वाला तो कसरत जिक्र हो और शरीयत के फराइज और वाजिबात पर अमल करने वाला और उसके अलावा फराइज वाजिबात उसन्नतों पर अमल करने वाला और गुनाहों से बचने वाला। बस ये अलामत है कि उसको ईमान मिल गया जी फिर फरमाया दिल किसका है दिल अल्लाह ताला का है अल्लाह का घर है अल्लाह की तजलिगह है अल्लाह ताला अपना नूर दिल में डालते हैं, इसलिए फरमाया दिल हमेशा मुफ्ती होता है कोई चीज जो दिल में खटके तो समझ लो कि इसमें कुछ गड़बड़ है हज़ुर अबला खूबसूरत दुआ मांग कर मांगा करते थे खूबसूरत दुआ है अल्लाह जाल हब्बक अहब्बल अशिया वमाम की मोहब्बतों पर यानी तमाम चीजों की मोहब्बतों पर अपनी मोहब्बत को गालिब फरमा अल्लाह जाल हब्बक अहब्बल अशियाई तमाम चीजों की मोहब्बत तो है लेकिन तमाम मोहब्बत अपनी मोहब्बत को गालिब फरमा और तमाम चीजों के खौफ पर हमें चीजों का भी खौफ है खौफ पर अपने खौफ को गालिब फरमा मैंने भी किसी वक्त एक शेर कहा था हजरत फरमाते हैं आसी मताए कल्ब को रखना संभाल के आसी मताए कल्ब को रखना संभाल के किस्मत से इस गह इस गौहर पे दिल उस दिल रुबा का है इस गहर हीरे पर दिल उस दिल रुबा का है तो देखो ये दुआ बहुत अच्छी उर्दू में मांग ले कि अल्लाह तमाम चीजों की मोहब्बतों पर अपनी मोहब्बत को गालिब फरमा और तमाम चीजों के खौफ पर अपने खौफ को गालिब फरमा आज हर इंसान को मोहब्बत भी है चीजों से और किसी से खौफ भी है तो अल्लाह से मांगो कि अपना खौफ अता फरमा और अपनी मोहब्बत अता फरमा इस दिल पे तो उसका दिल आया हुआ है इसलिए उसको संभाल कर रखना ये उधर उधर फेंकने की चीज नहीं है जी बहरहाल अगर ये कसरत जिक्र हासिल हो जाए अगर एक कसरत जिक्र हासिल हो जाए जिसका नाम मलक याददाश्त है यानी ध्यान है तो ये एक अलामत है हुसूले नस्बत की क्यों कि गफलत को दूर करना बहुत बड़ी अलामत है ईमान के बनने की फरमाए ये अलग अलामत है नस्बत की और जब ये दोनों चीजें यानी दवा में तात और कसरत जिक्र हासिल हो जाए ये इस बात की अलामत है कि उसको अल्लाह ताला की रजा हासिल हो गई और जब अल्लाह ताला की रजा हासिल हो गई तो और क्या चाहिए क्योंकि इस कायनात में उससे बड़ा मकसूद और उससे बड़ा इनाम कोई और हो ही नहीं सकता और ये ऐसी आसान चीजें एक को मिल सकती है याद रखना ये कोई बड़ा काम नहीं है ये तो जरा लगता है समझने में कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं नहीं ये बहुत आसान काम हां खुद करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल लेकिन जरा डॉक्टर को पकड़ेंगे इस लाइन का तो वो तुम्हें ले जाएगा बहुत आसानी के साथ नफ्स की डाइट लज्जत है आ, लेकिन इंसान नफ्स को गलत लज्जत देता है हा नफ्स को लज्जत चाहिए तो ता की लज्जत दो या गुनाह की लज्जत हाँ यह था उनका बहुत सारे उनके जुमले थे उनके जुमले बहुत अजीब अजीब तो ये भी फरमा रहे थे कि देखो तो अब वही बात को मुकम्मल कर रहे है फरमाया कसरत जिक्र हासिल हो जाए जिसको उसी का नाम ध्यान है तो एक अलामत है हसूल नस्बत की और जब ये दोनों चीजें यानी दवा में ताआत और कसरत जिक्र हासिल हो जाए ये इस बात की अलामत है कि उसको अल्लाह ताला की रजा हासिल हो गई और जब अल्लाह ताला की रजा हासिल हो गई तो और क्या चाहिए क्योंकि इस कायनात में इससे बड़ा मकसद उससे बड़ा इनाम कोई और हो ही नहीं सकता कि वो राजी हो जाए यह है नस्बत की हकीकत जिसको मुख्तसर यू समझा जा सकता है कि निस्बत से मुराद रज़ाए बारी ताला है जिसकी अलामत मलक याददाश्त यानी हर वक्त का ध्यान और दवा में और अल्लाह के अहकाम को पूरा करना अवामिर को भी और नवाही को भी पूरा करना बस इसको कहते हैं निस्बत। अब ये निस्बत कैसे हासिल होगी उसका क्या तरीका है इनशाला उसको कल करेंगे आज का इतना ही सबक काफी Trebuie de murat să fac